रियाज आप हमें सुन रहे हैं? थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कॉल सबसे पहले PPIC 3 में जो एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर और डिस्पैच कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से वो कॉल रूट होके हमारे ऑप्शन में आ जाती है कि हमारी टीमें जो हैं वो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करें। ये 5 से 7 मिनट में इनको रिस्पॉन्स करता है। एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ या वेरेवर, जब इनका दिल करता है, जब वो क्राइम एनालिसिस रिपोर्ट होती है, पूरा प्रोसीजर समझने के लिए हम SP साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। क्राइम कॉल एनालिसिस जो है वो किया जाता है हीट मैप से, FCD का जो हीट मैप है, कहीं भी अगर वाटर वेस्टेज हो रही है वो उसको उसकी तस्वीर लेके उसी को हम इसी ऑप्स रूम के जरिए जो वाटर कमीशन का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे देते हैं। लाहौर में लगभग 1,26,00,000 के करीब लोग बसते हैं। जहाँ पर अर्बनाइजेशन और कम्युनिटी में इजाफा हुआ, वहीं पर मॉडर्न क्राइम्स में भी इजाफा हुआ। फिर एक वक्त आया कि एक ऐसा स्क्वाड बनाया गया जिसके आने के बाद इन क्राइम्स में वाज़े कमी देखी गई। इनके आने से ना सिर्फ क्राइम कंट्रोल हुआ बल्कि पुलिस परसेप्शन और कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा फोकियत मिली। आज हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द पुलिस लॉग, वेलकम टू द डॉल्फिन फोर्स। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के कमांडर SP राशिद हदायत मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ इस रूम में बैठ के पूरे लाहौर में चलने वाली टीम्स को किस तरह लुक आफ्टर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इट्स ट्रूली एन ऑनर, आपने टाइम दिया हमें सर, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आवाम सर, जो हमारी डॉल्फिन स्क्वाड है ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्यूरोसिटी है। आवाम जानना चाहती है कि डॉल्फिन स्क्वाड किस तरह काम करता है। सर काइंडली मुझे आप बताइएगा, इस ऑफिस में बैठ के आप इतनी ज़्यादा टीम्स को किस तरह मोनिटर करते हैं? देखिए, डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर जो है वो पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। ये एक प्राइम पेट्रोलिंग यूनिट है जिसकी प्रेजेंस है लाहौर की मोस्टली सारी बीट्स में। इसकी इंटीग्रेशन है पंजाब सेफ सिटी के PPIC 3 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। और ये जो सेंट्रली डिप्लॉयमेंट है इनकी, स्पेशली ये जिनकी फंक्शनैलिटी है वो स्पेशलाइज्ड है। इसमें अगर देखें आप, जो 15 का जो डिस्ट्रेस कॉलर है पूरे लाहौर में, जब भी वो कॉल करता है तो उसकी कॉल सबसे पहले PPIC 3 में जो एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर और डिस्पैच कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से वो कॉल रूट होके हमारे ऑप्शन में आ जाती है MDT सेट के ज़रिए। और यहाँ पे एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के तहत वही कॉलर की जो सारी की सारी स्पेसिफाइड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें सारी की सारी फिल करके, और यही व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के 15 कॉल से रिलेटेड बने हुए हैं, ये उन पर भेज दी जाती है। मुतलका जो हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं, हमारे जो टीम्स हैं, टीम लीडर्स हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है 1 से 1.5 मिनट में होता है। और उसके बाद जब स्पेसिफाइड कॉलर है उसकी लोकेशन भी उनके पास आ जाती है, और उसकी सारी कॉलर की डिस्क्रिप्शन और उसकी सारी रिक्वायरमेंट भी उसके पास आ जाती है। तो वो टीम जो है 5 से 7 मिनट में वो मोबिलाइज़ करते हैं और वो आउटरीच इंश्योर करते हैं वो 15 के डिस्ट्रेस कॉलर तक, और वहाँ पे वो रिस्पॉन्स करके वो डिस्ट्रेस कॉलर। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बड़ा मैटर करता है डॉल्फिन फोर्स। देखिए, जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसका जो मेजर क्राइटेरिया है वो हमने इस तरीके से रखा हुआ है कि जो सेफ सिटी का हीट मैप आपका जनरेट होता है, जो क्राइम या जो 15 की कॉल्स के जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एरियाज़ हैं उनके सराउंडिंग्स में हम अपनी डिप्लॉयमेंट रखते हैं। तो जो भी 15 की कॉल होती है, हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी टीमें जो हैं वो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करें। ये 5 से 7 मिनट में इनको रिस्पॉन्स करना होगा। सर होता ही हूँ कि अगर किसी लोकल या प्राइवेट कंपनी ने अगर मेयर करना है उनका ड्राइवर कैसे काम कर रहा है तो पीछे लिख देते हैं हाउ एम आई ड्राइविंग, लेकिन व्हाट आर द की इंडिकेटर आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? मेरे पास डेली की बुनियादों पर 6 से 7 रिपोर्ट्स जो हैं वो डेली रिपोर्ट्स बनती हैं। वो रिपोर्ट्स जो है उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कारकर्दगी जो है इंडिविजुअल टीम्स की और सेक्टर इंचार्जेस की और उनके साथ शिफ्ट इंचार्जेस और डिविजनल इंचार्जेस की कारकर्दगी को जांचा जाता है। इनमें ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनमें एक तो 15 की कॉल के हवाले से एक तो क्राइम डायरी होती है जिसमें वेरीफाइड जो स्ट्रीट क्राइम के जो नंबर हैं वो होते हैं, उनको फिर हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस डेज से, प्रीवियस वीक से, प्रीवियस मंथ से, और वो काबिली जायज़ा लिया जाता है कि क्राइम आया कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और जिन एरियाज़ में क्राइम बढ़ता है वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा डिप्लॉय हो जाते हैं। सेकंड, जो हमारी विजिलेंस की टीमें आउट होती हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, कोई आया कि कोई भी टीम जो है वो अपने स्पेसिफाइड रूट से डेविएट तो नहीं कर रही, वो अपने हाल्टिंग पॉइंट से डेविएट तो नहीं कर रही, अपने बीट से तो नहीं निकल रही, या आया कि उनका रिस्पॉन्स ठीक है
आया कि वो इन और आउट होने में कोई लेट तो नहीं हो रहे। तो ये सारे पैरामीटर्स को जांचने के लिए हमारी जो विजिलेंस टीमें हैं, दो तरह की विजिलेंस है, एक डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है इनकी, विजिलेंस यहाँ से हो रही है MDT सेट के जरिए। हमें जो हमारी टीम्स हैं उनकी जो जियो लोकेशन है वो हमारे सेट पर ही मालूम हो रही है, और इसके अलावा जो हमारे सेक्टर इंचार्जेज हैं उनकी भी, और जो विजिलेंस टीमें ग्राउंड में जाके चेक करती हैं वो भी अपनी डेली रिपोर्ट जनरेट। आपने कैटेगराइज किया हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो सेफ सिटी से हमें फीडबैक जो आता है PPIC3 के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, वो आ जाता है कि अगर किसी भी एरिया में 15 की कॉल पे हमारी टीम लेट रिस्पॉन्स करे तो वो ऑटोमेटिकली एक चेक है इन पर के वहाँ से हमें ये तयन हो जाता है कि इस टीम ने अपना रिस्पॉन्स ठीक नहीं दिया, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी अप टू द मार्क। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम नोट करवाते हैं सेफ सिटी को, ताकि हीट मैप जो है वो जनरेट किया जा सके, तो वो कोऑर्डिनेट वाली डायरी भी हमने स्टार्ट करवाई है। इसके अलावा जो कंपैरेटिव क्राइम के अलावा जो वेरीफाइड कॉल्स हैं उनकी भी डायरी आती है। सर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन सेंस बेहतर है क्योंकि उनसे हम हीट मैप जनरेट करते हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं जी। तो ये जो 6 से 7 तरह की डायरीज हैं, ये डेली डायरीज का मकसद ये है कि सारी की सारी की टीमों का टर्नआउट, इनका कंडक्ट और इनका बिहेवियर, इनकी जो स्नैप चेकिंग है, इनकी जो पेट्रोलिंग है और इनकी जो वॉच एंड वार्ड है, उसको मज़ीद, इनकी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ या व्हेनेवर, जब इनका दिल करता है, जब वो क्राइम एनालिसिस रिपोर्ट होती है, पूरा प्रोसीजर समझने के लिए हम SP साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। सर काइंडली हमें बताइएगा कि 15 की कॉल के बाद क्या होता है। पहला स्टेप है जो 15 का डिस्ट्रेस कॉलर जब कॉल करता है तो उसकी कॉल जो है सेफ सिटी PPIC3 सेंटर से, उसके डिस्पैच कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे रूट होती है MDT सेट में एक मैसेज की फॉर्मेट में, और यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, वही मैसेज में हम जो कम्युनिकेट करके, तो उसको हम जो 15 की कॉल्स का हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे के सारे सेक्टर इंचार्जेज और सारी डॉल्फिन की टीम है, वही वहाँ पर हम उनको कन्वे कर देते हैं, और वहाँ से वो जब उनको कन्वे होता है तो वो उसी स्पेसिफाइड कॉल के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा हम जो है वो उनको दिगर फॉर्मेट में भी जो क्रिमिनल मूवमेंट हो रही होती है, जो एक्टिव क्रिमिनल चल रहे होते हैं उनकी जो भी मालूमात है, हम उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वॉइस मैसेज की सूरत में भी डिलीवर कर देते हैं, ताकि उनको दुराने पेट्रोलिंग इस बात का पता हो कि हमारे इस एरिया में अभी जो रिसेंटली ताज़ा तरीन वारदात हुई है तो उसमें जो गैंग ऑपरेट हो रहा है उसकी स्पेसिफाइड चीज़ें क्या हैं, उनकी मूवमेंट किस बाइक में हो रही है, उनकी जिसामत क्या है, उनके कदो काट क्या है, उनका हुलिया जात क्या है, उनकी जो हुलिया उसकी एक रिकॉर्ड कीपिंग होती है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ये आप एक मैसेज देखेंगे। ये बकौले कॉलर एक दस बंदा है, पैदल सवार है और बुजुर्ग से उसका पर्स छीन कर फरार हो गया है। इसने नीचे व्हाइट कलर की सलवार है और ऊपर रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, नीचे सलवार ऊपर रेड कलर की शर्ट है, 20 से 22 साल उम्र है। सर ये तो हो गया ना हमारा 15 का मैकेनिज्म, सर इसके बाद आगे हम किस साइड? इसके अलावा जो है हमारे पास कंप्लेंट्स जो डॉल्फिन के खिलाफ आती हैं, आप शहरियों का डॉल्फिन पर अतमाद है और उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए जो डॉल्फिन के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है उसका जो कंप्लेंट एनालिसिस है उसका पूरा चार्ट है हमारे ऑफिस रूम में। टोटल 110 कंप्लेंट्स आज की डेट की हैं सो फार, ये आज की डेट तक की टोटल कंप्लेंट्स। अच्छा अभी 6 इन प्रोसेस हैं और 104 जो हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब 6 इन प्रोसेस का मतलब ये है दे आर इन प्रोसेस कंप्लेंट्स और इन पर कोई ना कोई इंक्वायरी हो रही है, तो विद इन 24 to 48 आवर्स ये कंप्लेंट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो कोशिश की जाती है कि जो भी डॉल्फिन के मुतलक शिकायत हों उसमें बिल्कुल महकमाना कवायद जवाबत के और IG साहब, CCPO साहब, हमारे DIG साहब, ऑप्स और जो हमारा एक पूरा उसमें कंप्लेंट्स जेन्युइन भी होती हैं, उसमें कंप्लेंट्स फेक भी होती हैं, क्योंकि कोई ना एक एंड झूठा भी होता है। बाज़ औक़ात एक वन व्हीलर जो है जब उसको पकड़ा जाता है तो वो उस पर शोर शराबा भी करता है, वो तो किसी भी शख्स को आप उस पर कानून को नाफिज करें तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आती है, या बाज़ औक़ात काइट फ्लाइंग के वायलेशन करने वाले को काइट फ्लाइंग को जब पकड़ा जाता है, इसी तरीके से रोड साइड पर न्यूसेंस क्रिएट करने वालों को
तो ये जो है वो, लेकिन ये हमारी इंडिपेंडेंट जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और इसमें न्यूट्रलिटी भी है। 15 की जो डिटेल्स हैं वो उनकी रिगार्डिंग जो स्ट्रीट क्राइम है उनकी हमारे पास डायरी मेंटेन होती है। जो टोटल कॉल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, इनमें जेन्युइन कॉल्स कितनी हैं और इनमें मिसाल के तौर पर बाल का नेबरहुड में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े के दौरान उन्होंने 15 पे कॉल कर दी कि मेरे साथ रॉबरी हुई है। जब टीम मौके पर पहुंचती है ग्राउंड पे लेटर ऑन पुलिस वाले भी आ जाते हैं लोकल पुलिस स्टेशन के, तो वो इट ट्रांसपायर्स के वो उनकी जेन्युइन रॉबरी नहीं है बल्कि फॉल्स एक्विजिशन है। फॉल्स एक्विजिशन बिल्कुल ठीक हो गया। वो वेरीफाइड इनमें से सॉर्ट आउट की जाती हैं, वेरीफाइड कॉल्स उन कॉल्स पर एनालिसिस किया जाता है, उनको प्रीवियस डे से उनका कंपैरिजन किया जाता है। ये सारा हमारे पास मैकेनिज्म है। यहाँ पे अगला अगर स्टेप हम करें तो क्राइम कॉल्स का एनालिसिस जो है वो हीट किया मैप जाता है, हीट मैप सीएफसीडी का okay, जो मैप है। आई थिंक सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मेरे ख्याल से वो यही होगी, इसमें देखें कि ये कॉल्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं ये कलर वाइज आपने डिवाइड किया, कलर वाइज जितना भी क्राइम है। सर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ सर मुझे बर्गलरी सिर्फ चेक करके दिखा दें, बर्गलरी का खाली ओके मैं आपको थोड़ी सी डॉल्फिन स्क्वाड की एसओपी बता दूं। बर्गलरी जो है वो हाउस से प्रीमिसेस में वो डील नहीं करते, वो डील नहीं करते, लेकिन इवन देन हमारे पास डाटा उससे भी है और हम जो अपना पेट्रोलिंग मैनुअल बनाते हैं तो जितनी भी जनरल कैटेगरीज ऑफ क्राइम है उनको मलूजे खातर रखते हुए हम सारे का सर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप स्नैचिंग और रोड रॉबरी को दिखाएं क्योंकि की जो पैरामीटर इंडिकेटर स्नैचिंग और रोड रॉबरी को दिखाएं। ये देखें जी सर ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्नैचिंग हुई है तो आप उसे पिन मार्क करते हैं बिल्कुल। इसके अलावा हमें चूंकि हमारे पास क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट में हमारे पास जो क्राइम का एक्चुअल टाइम है वो भी नोटेड होता है और जो स्पेसिफाइड रूट्स हैं क्रिमिनल की मूवमेंट के वो भी नोटेड होते हैं और जो क्राइम के क्लस्टर और हॉटस्पॉट्स हैं उनका भी तयन किया जा चुका होता है। तो वेरी नेक्स्ट डे में जब हमारी टीमें आउट होती हैं तो जो उनके इनका वर्किंग मैकेनिज्म इस तरीके से है कि हर घंटे में इन्होंने 40 मिनट पेट्रोलिंग करनी है, 20 मिनट उन्होंने किसी ना किसी हॉल्टिंग पॉइंट पे स्टे, ये कहीं ना कहीं मॉनिटर भी हो रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और वो जो हॉल्टिंग पॉइंट्स है वो हमने कैटेगराइज कर दिए हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस, तो उसमें हमारी कोशिश होती है हम इनको डायरेक्शन पास ऑन करते हैं इनके सेक्टर इंचार्जेस के थ्रू कि ये हॉल्टिंग पॉइंट्स पर खड़ा होने के बजाय ये उस पे उस पीरियड में जो क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं पीक आवर्स ऑफ क्राइम में स्नैप चेकिंग करें। आईजी साहब ने जो नया इनिशिएटिव लिया है उसमें ई पुलिस पोस्ट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो DIGIT ने डिज़ाइन करवाई है PITB के साथ कोलैबोरेशन में, तो वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो हमने एंड्रॉयड सेट में उसको एक्सेस ऑथेंटिकेट करके वो हमने सेक्टर इंचार्जेस तक उसकी एक्सेस दे दी है। तो जब ये स्नैप चेकिंग कर रहे होते हैं तो वो उस एप्लीकेशन से भी इस्तेफादा करते हैं, तो जो भी रिस्पेक्टेबल सिटीजन ये गुजर रहे होते हैं उनके CNIC या उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो इन इनपुट में वो इंसर्ट किया जाता है तो वहाँ से हमें उनके क्रिमिनल डाटा की मालूमात मिल जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे POs कोर्ट एब्सकॉन्डर्स क्रिमिनल कार्ड होल्डर्स और जो पेशावर मुजरिम हैं वो भी स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी हैं, तो 392 टोटल डॉल्फिन की टीमें हैं जो तीन शिफ्टों में पूरे लाहौर को कवर करती हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको शेयर करवाना चाहूँगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारा किस तरीके से कारामंद है, हमारा कवर करता है कि इसमें देखें अब ये LTE सेट है, 4G टेक्नोलॉजी पर ये चल रहा है। अब ये मेरे सामने सेक्टर इंचार्ज रियाज, आपका सेक्टर कौन सा है? रियाज आप हमें सुन रहे हैं? चले मैं आपको सुन रहा हूँ, तो आप ये बताएंगे कि जब ड्यूटी आउट करने से पहले आप क्या क्या SOP के मुताबिक क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें ब्रीफ करते हैं टीमों को ताकि इनकी मौसर तरीके से पेट्रोलिंग भी हो, बताइए। करने से पहले हम इनको जो है सुबह सरमनी के टाइम चेक करते हैं, इनका टर्न आउट चेक करते हैं, बाइक्स की सफाई गाड़ियों की सफाई के हवाले से इनको ब्रीफ करते हैं और इनको ये ब्रीफ करते हैं कि 14/4 के हवाले से पुलिस रूल हमें बताता है कि आपने सिटीजन के साथ किस तरह खंदा पेशानी से पेश आना है और 15 की कॉल के हवाले से किस तरह आपने पर वक्त रिस्पॉन्ड करना है। उस
इसके अलावा सर हम इनको ब्रीफ करते हैं कि आपने अपने बीड में पहुंच के किस तरह फॉर्मेशन में पेट्रोलिंग करनी है, अगर कोई क्रिमिनल अनासर आपको नजर आते हैं या कोई 15 की कॉल है आपने किस तरह वहां पे रिस्पॉन्ड करके क्रिमिनल अनासर को पकड़ना है और किस तरह उनको अरेस्ट करके थाने वालों के हवाले करना है जी सर। इसके साथ साथ हम इनको बीड में सरप्राइजिंगली चेक करते हैं कि कहीं पे कोई टीम खड़ी हुई या नजायज मोबाइल का इस्तेमाल करती हुई ना पाई जाए। इसके अलावा हम लोगों से इनका फीडबैक भी लेते हैं इनके रवैये के बारे में, अगर हमें कहीं से किसी तरह की कोई भी शिकायत मौजूद होती है तो हम तहरीरी तौर पर अपने सीनियर अफसरान के नोटिस में देते हैं और उसके हवाले से जो सीनियर अफसरान है SOP के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद जो भी महकमाना पॉलिसी के मुताबिक सजाजदा होती है उसके साथ वो किया जाए। कुछ अर्सा पहले ये भी एक कंप्लेंट आई कि डॉल्फिन की टीमें जो हैं वो जब 15 की कॉल की जाती है तो वो मौका पर बाज़ात नहीं जाते और कॉल पे नोट करवा देते हैं कि हम मौका पर पहुंच चुके हैं, उसको भी हम केटर कर रहे हैं। इस कंप्लेंट को भी हमने बहुत तक हद तक रिजॉल्व कर लिया है। अभी जो सारी की सारी टीमें हैं दे हैव टू रिस्पॉन्ड एट स्पॉट, दे मीट द कंप्लेनेंट और दे नोट इट डाउन। और ये हर डिवीजन वाइज है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डायरी है ये ट्रांसपायर कर रही है ऊपर करें जरा, ये कोऑर्डिनेट्स की डायरी है कि हम जो भी हेड्स हैं रोड रॉबरी है स्नैचिंग है एरियल फायरिंग है काइट फ्लाइंग है इसमें वाकई जो कोऑर्डिनेट्स जो PPIC3 वो डाले गए हैं या नहीं डाले गए, तो ये भी डेली की डेली डायरी मेंटेन होती है। जो स्नैप चेकिंग हम कर रहे होते हैं तो उस स्नैप चेकिंग का जो सारे का सारा डाटा है वो हमारे पास, कौन सी टीम ने कितने अफराद को चेक किया, कितनी व्हीकल्स को चेक किया, उनमें से स्टोलन व्हीकल कितनी निकली और किन किन अशखास को या गाड़ियों को चेक किया, तो ये सारा क्वान्टिफाइड डाटा जो है वो हमारे पास सारे का सारा टेबुलर फॉर्म में हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारे का सारा डाटा हमारे। सर मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर क्या अब जो भी नाका लगेगा वो, मेरा ये ख्याल है अभी इसके आने के बाद उसका एक ना कि एक डाटा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा कि आप अगर रुके थे तो आपने कितने लोग चेक किए। बिल्कुल ये बिल्कुल सारे का सारा डाटा मेंटेन हो रहा है इसमें और ये किसी भी टीम के पास कोई भी हाई हैंडेडनेस की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो चाहे भी तो किसी बंदे को हमारे नोटिस में लाए बगैर पकड़ के छोड़े भी तो हमें इमीडिएटली हमारे ऑप्शन उनकी ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इसमें पता चल जाएगा, नॉलेज में अलर्ट आ जाएगा और बिल्कुल हम उसको जो है महकमाना तौर पर उसको पाबंद करेंगे कि उसने ये वायलेशन क्यों की। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक जो वाटर कमीशन है उसको मैंडेट दिया गया कि लाहौर में बेजा पानी के जाल को रोके, तो आप ये देखें इस तस्वीर में ये शख्स मोबाइल से का इस्तेमाल कर रहा है और नीचे पानी का पाइप है और वो पानी का ज़िया हो रहा है, तो हमारी टीमें दौरान चेकिंग इस बात का तयन करती हैं कहीं भी अगर वाटर वेस्टेज हो रही है वो उसको उसकी तस्वीर लेके उसी को हम इसी ऑप्स रूम के ज़रिए जो वाटर कमीशन का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे देते हैं और वो उसको वेरीफाई करके ग्राउंड में अगर वही उनकी वायलेशन में आ रही है। सर ये तो वही डायरेक्शन थी जिसमें कहा गया था कि आप पब्लिकली अपनी गाड़ियों को वॉश नहीं करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने लाहौर शहर में तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा 80 लाख से ज़्यादा अमाउंट के मालियत के। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी डॉल्फिन स्क्वाड है वो एक नहीं दो नहीं तीन चार पता नहीं न्यूमरस काम कर रही है इसमें। इसके अलावा जो कम्युनिटी पॉलिसिंग में मैं ये समझता हूँ कि जो वन व्हीलिंग और जो काइट फ्लाइंग और जो ड्रग पेडलर्स इनकी अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर काम कर रही है। इसमें जो क्राइम एनालिसिस है उसका फ़ायदा ये है और जो कंपैरिजन ऑफ क्राइम है कि अभी इस अगस्त 2020 में हमने कंपैरेटिवली लास्ट ईयर हमारा 30% स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हो 30% और अगर जुलाई और अगस्त के मंथ्स का कंपैरिजन किया जाए तो जुलाई की निस्बत 20% अगस्त में हमारा स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हुआ है। और सर कहा जाता है कि वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट भी जिसमें भी कहा था बिल्कुल ये वेरीफाइड जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं 15 की स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड ये उसकी जो डायरी मेंटेन होती है तो उसी को सम अप करके जो है कंपेरिजन करते हैं और ये वेरीफाइएबल डाटा है, ये कोई ऐसा हमारा अपना डाटा नहीं है बल्कि ये PPIC3 और हमारा जो है ये एक वेरीफाइड डाटा है, तो इसमें वो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसमें आप कोई ऐसी बात करें मैनिपुलेट कर सके डाटा को। बिल्कुल सर बिल्कुल मैनिपुलेटेड डाटा नहीं है। ठीक हो गया सर। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक सबसे कराची के बाद बड़ा शहर है उसमें डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की प्रेजेंस, इनकी विजिबिलिटी, इनकी डेट्रेंस, इनकी राउंड द क्लॉक जो इनकी इफेक्टिव पेट्रोलिंग है, इनकी वॉच एंड वार्ड है और जो सबसे बड़ी बात है इनकी इंटीग्रेशन है सेफ सिटी के साथ और 15 की कॉल पे जो इनका 5 से 7 मिनट में रिस्पॉन्स है, तो मैं ये समझता हूँ कि अवेलेबल रिसोर्स में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
सर मुझे ये बताइएगा कि एक मिनट चले सर, एसपी साहब मुझे ये बताइएगा कि यंग खून है, गलतियाँ हो जाती हैं, अगर कोई बड़ी एक डिसिप्लिनरी कोई गलती नहीं करते तो आइदर एसपी राशिद इज़ गोइंग विद द बुक्स, जो पुलिस बुक्स हैं उनके मुताबिक ही आप सजा देते हैं, या यू हैव बिलीव इन गिविंग सेकंड चांस, सब लोगों को सेकंड चांस देते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जब ये ऑर्डरली रूम में आते हैं, किसी भी वायलेशन के मुर्तकब होते हैं या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है, उसमें फिर मैं ज़ाती तौर पर इनका पास ट्रैक रिकॉर्ड भी देखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ़ गुड वर्क्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बैड वर्क्स कितने हैं, और टोटल वायलेशंस कितनी हैं, वार्निंग्स कितनी हैं। तो उसमें एक मुसलसल अगर कोई एक हमारा ऑफिशियल जो है वो एक पर्टिकुलर या मुख्तलिफ गलतियों का मुर्तकब हो रहा है और वायलेशंस पे वायलेशन कर रहा है, और उसके बाद उसको वार्निंग्स भी दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं सुधर रहा, तो फिर डेफिनेटली जो हमारा टेबल है, पनिशमेंट टेबल, उसके मुताबिक जो आईजी साहब का विजन है, जो हमारे कमांडर हैं डीआईजी साहब ऑपरेशन, उनका जो विजन है कि सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी के बाद वो जो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं तो उसकी रोशनी में किया जाता है। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी और हर लाहौरी जानना चाहता है, सर अगर बंदे के पास कुछ पैसे हों तो बंदा प्रेफर करता है कि उसके बच्चे बाइक को यूज़ ना करें, चार पहियों वाली चीज़ गाड़ी पर जाएँ, अपनी लाइफ को सेव रखें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किन वालदैन के बच्चे हैं जिनमें इनमें जज्बा, कैसा ऐसा जज्बा है कि ये बाइक पर जाते हैं, फुल स्पीड में जाते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, मैकेनिकल चीज़ है, ख़राब हो सकती है, गिर सकते हैं, इवन जामे शहादत भी नोश कर सकते हैं, सर इनमें किस किस्म का ये जज्बा है, कौन सा इनको वो इनकी घुट्टी में वो चीज़ है जो इन्हें इस चीज़ पर मजबूर करती है कि अब अपनी कौम को इस तरह सर्व करें? देखिए, पैशन टू सर्व द कम्युनिटी, पैशन टू एंश्योर दैट देर विल बी रिडक्शन ऑफ स्ट्रीट क्राइम फ्राम द कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर। और आपने दुरुस्त कहा, यह बहुत मुश्किल नौकरी है सर, और ये रूटीन होती है इनकी, डेफिनेटली एक्सपोज होते हैं, और कोई भी टेररिस्ट या कोई भी जो मुजरिम है वो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के किसी भी ऑफिशियल को निशाना बना सकता है, एट एनी प्लेस। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट है, राउंड द क्लॉक वॉच एंड वार्ड इंश्योर करना, मौसम बारिश भी होती है, आंधी भी आती है, गर्मी भी होती है, और ये सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर जो है ये इनकी कारकर्दगी जो है तसल्ली बख्श है, मजीद बेहतरी के लिए हम दिन रात काम गुंजाइश हर जगह है। सर हेड्स ऑफ टू देम एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आप इन्हें कमांड कर रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया, मैं विश करता हूँ कि सर ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कौम को सर्व कर सकते। बिल्कुल, ये भी आपकी बात सुन रहे हैं और लाहौर के शहरी भी आपकी बात सुन रहे हैं, तो मेरी जो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के कमांडर ऑपरेशन की हैसियत से जो मेरे जवान हैं, इनको भी यही नसीहत है, इनको भी यही गाइडलाइन है, इनको भी यही कमांड इंस्ट्रक्शन है कि अपनी ड्यूटी को मेहनत से, जांफशानी से, दयानतदारी से और हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत आप करें। सर गुड लक टू यू, यू मस्ट हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल अहेड। सर थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, होता यूँ है कि हमारे पास जो डॉल्फिन टीम होती है उसमें चार अहलकार होते हैं, जिसमें दो ड्राइवर्स और दो राइडर्स होते हैं। मज़े की बात है, चारों के पास ब्रीटा पिस्टल होती है, और जो हमारे पास राइडर्स होते हैं उनके पास दो अदद MP5 होते हैं, शॉर्ट रेंज गन होती है, और किसी भी एमरजेंसी से निबड़ने के लिए इनको एक्स्ट्रा गोलियाँ दी जाती हैं। ये असले को चेक करते हैं, उसके बाद ये अपनी फील्ड में, अपनी बीट में निकलते हैं। वे नौजवान गए हैं, अभी ये जाके अपनी पिस्टल को चेक करेंगे। इसी तरह चारों टीम मेंबर्स अपनी अपनी पिस्टल्स लेंगे, उनको चेक करेंगे, अपने वेपन को वेरीफाई करेंगे बीट में निकलने से पहले, ताकि किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें दोबारा से री इन्फोर्समेंट के लिए कॉल ना करनी पड़े और ये अपना काम खुद कर सकें। हर असले के अगेंस्ट उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है, और जितने वेपन और जितनी बुलेट्स इनके हवाले की जाती हैं उसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये रिकॉर्ड डिजिटलाइज भी है और ये रिकॉर्ड मैनुअल भी है, ताकि किसी भी सूरत में इसका बैकअप मौजूद हो। होता यूँ है कि जब हमारी डॉल्फिन टीम के अहलकार जो हैं, जिनमें एक राइडर, एक ड्राइवर और इसी तरह दूसरी बाइक्स का एक राइडर और एक ड्राइवर, जब अपना असला रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं, ताकि किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में उनके असले को कोई इशू ना हो और उनको री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ना पड़े, और ये सारा हमारा जो प्रोसेस है उसे NSP कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी डॉल्फिन फोर्स कितनी जांफशानी और मेहनत से सड़कों पर आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। ये आपकी दाद और तारीफ़ के मुस्तहिक है। तारीफ़ वहाँ पर ज़रूर कीजिए जहाँ पर तारीफ़ बनती है। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, पुलिस लॉ के एक और एपिसोड के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। सेफ़ रहें, सेफ़ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।